हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं आ गई हूँ फेस्टिवल के बाद डेली रूटीन में। बच्चे गए हैं स्कूल, स्कूल जाने के बाद ये सारा काम हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने खाना एक तरफ चढ़ा दिया और सोफ़े वोफे ठीक कर रहे हैं यहाँ पे। तो बच्चों के आने तक मेरा सारा काम हो जाता है, मेरा खाना वाना भी बन जाता है और सारे घर की क्लीनिंग डस्टिंग सब हो जाती है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। जब बच्चे नहीं रहते हैं तो काम फटाफट से करना पड़ता है ताकि आए तो उन्हें थोड़ा टाइम दे सकूँ मैं, और इसलिए ये सारा काम जल्दी जल्दी निपटाना पड़ता है। दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल में से एक है क्योंकि उसमें घर की क्लीनिंग हो जाती है, घर अच्छा लगने लगता है और सभी चीज़ें एक साथ साफ़ हो जाती है। क्योंकि बाकी दिनों में तो हम क्या करते हैं, जब मन किया तब एक जगह की क्लीनिंग ज़्यादा अच्छे से कर ली, फिर दूसरे जगह की क्लीनिंग कर ली। और यहाँ पे डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैंने मशीन में कपड़े भी लगाए हुए थे, उसे डालने आ गई हूँ। तो मेरा सारा काम हो गया था बच्चों के आने के पहले, और इस तरह से ही डेली मेरा रूटीन रहता है ज़्यादातर जब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो अगर बच्चे स्कूल नहीं गए तो मेरे रूटीन में थोड़ा बहुत इधर उधर का फ़र्क हो जाता है। तो यहाँ पे बन रही है बैंगन बघाड़े की सब्जी, और मैंने आज रेसिपी नहीं शेयर की क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी में बना रही थी, इसलिए शेयर नहीं कर पाई। नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी। आई थिंक ये हो गया है, तो गैस का फ्लेम ऑफ होने जा रहा है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी है दोपहर का टाइम, बच्चों के लाने का टाइम हो गया है और मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ। बस बाल थोड़े से टाई करूँगी और बच्चों को लेने जाऊँगी। तो मिलती हूँ बच्चों को लाने के बाद, और आज का रूटीन तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है। यहाँ पे देखिए, कर्टन लगाने के बाद कितना सुंदर व्यू लग रहा है ये कॉर्नर का। इस बार मैंने विंडो पे भी लॉन्ग वाले कर्टन लगाए हैं। पिछले बार जो कर्टन थे वो विंडो साइज़ के थे, इस बार डोर साइज़ के कर्टन विंडो में लगाए हैं मैंने। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ ठेकुआ। तो यहाँ पे मैंने आटा डाल लिया है, अंदर में थोड़ा सा मलाई डाला है और इतना मलाई मैं और डाल रही हूँ, इतना ही पहले भी डाला था। और जो इतना आटा लिया है उसका आधा मैंने यहाँ पे शुगर लिया है जिसको मैंने पीस लिया है। तो यही सारी चीज़ें डलेगी और ये बहुत ही ईजली बन जाता है। तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ इलायची डालूँगी बाद में, और ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत दूध छिड़क लूँगी क्योंकि इसमें और कुछ नहीं जाता है। बहुत इजी वाली ठेकुआ की रेसिपी है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। वैसे एक और ठेकुआ की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो इस तरह से भुरभुरा गूंथ लेना है और इसके आराम से लड्डू बन जाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा दूध भी डाला था इसमें, हल्का सा, तो इस तरह का चाहिए हमें। और ये देखिए, इसको इस तरह से बांधने से ये बन जाता है। मेरे पास ये है साचा जो मेरी सासू माँ ने मुझे ला के दिया था सोनपुर मेले से, और इस पे ही मैं इसको बनाऊंगी। तो रुकिए, मैं बना के दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने ये इतने सारी इलायचियाँ खोल के डाल दी है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको। लेकिन इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे बेटे को ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है इसमें, तो मैं नहीं ऐड करूँगी। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, एक्चुअली ऐड किया जाता है बट यहाँ पे मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टॉवल लगा लिया है क्योंकि गंदा नहीं हो जाए, मेरा एप्पल मिल नहीं रहा है। तो मैं अभी चिमनी ऑन करूँगी और इसको बनाऊँगी।
यहाँ पे ऑयल को गर्म करने चढ़ा दिया, तो मैंने ऑयल गर्म भी हो गया है। और आप मीडियम लो फ्लेम पे ही इसे बनाएं, क्योंकि मीडियम लो फ्लेम पे ही अच्छे से बनता है और ये ना बहुत ही टेस्टी लगता है, कुरकुरा सा ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। तो इस तरह से मैंने सारे ठेकुए बना लिए थे और देखिए एक बैच बन गया है, एक बैच बन रहा था। ठेकुआ बनाने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी एक भुर्जी बनाई थी बच्चों के लिए। तो इस तरह से आधा मेरा पूरा दिन बीता। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।